नमस्कार सार्क। नमस्ते। मैं कल्पना झा, मैं 52 साल की हूँ। नमस्कार सार्क, मैं उमा झा, 51 साल की हूँ। हम ननद भाभी की अनोखी जोड़ी। क्या बात है? हम लोग बिहार राज्य के एक छोटे से क्षेत्र, छोटा सा शहर दरभंगा से आए हैं, जो कि मिथिलांचल में पड़ता है। बिहार राज्य के लोग खाने पीने के काफी शौकीन होते हैं और वो अपने हर खाने में एक अचार को रखना पसंद करते हैं। इनके अचार में एक अलग स्वाद होता है जो आपको बाकी अचारों में नहीं मिलेगा। इसलिए हम लोगों ने इस परंपरागत रेसिपी को पूरी दुनिया के सामने लाने के लिए जून 2021 को मैंने अपना एक jhajistore.com का निर्माण किया। झाजी स्टोर में हम कई तरह के अचार बनाते हैं। यह सन ड्राइड है, इसमें किसी भी तरह का प्रिजर्वेटिव, ना ही केमिकल और ना ही आर्टिफिशियल कलर का इस्तेमाल किया जाता है। इन्हीं सब कारणों से इसका अनोखा स्वाद और खुशबू उभर कर सामने आता है। अभी तक मैंने 2,500 कस्टमरों को अचार बेचा है इस 3 महीनों में, और मैं अपने कंपनी से आपको 50 लाख रुपए के लिए 10% इक्विटी देने का ऑफर करती हूँ। धन्यवाद। कल्पना जी, जी क्या हमें ये खाने को मिलेगा? क्या चार टेस्ट करने को जी, मिलेगा? जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। अपने मिथिलांचल के ठेकुआ, गुजिया और ये अचार 3 तरह के मैंने अभी सर्व किए हैं। इसमें एक ओल, जिसको सूरन भी कहा जाता है, वो है। एक लहसुन मिक्स्ड अचार है उसमें, और एक आम के है, आम के मिथिला स्पेशल। बहुत ही स्वादिष्ट है। बहुत बहुत बहुत। और हर एक का टेस्ट इतना अलग और अनोखा है, बहुत ज्यादा यमी अचार है। जी जी जी, मजा आ गया। जी जी, धन्यवाद। ये अचार हमारी सास, हमारी माँ ये बनाया करती थी, उनसे सीख के 30 साल तक मैं बनाती रही हूँ। 55 से भी मैं देखती थी और मुझे शौक भी था। हमेशा हस्बैंड से मैं कहती थी, सब कुछ तो अच्छा हो गया, बच्चे अच्छे सेटलमेंट हो गए, अब मैं कुछ नहीं कर पाई। तो जब रिटायर करके आया तो बोले, चलो तुमको मैं कुछ पैसे देता हूँ, तुम अपना काम करो। और बेटे ने भी बहुत इंकरेज किया कि नहीं, आप मन कीजिए, मैं मदद करूंगा मार्केटिंग में, जो भी बाहर का जो भी काम है मैं देख दूंगा। फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल, यूट्यूब, इन सबको यूज करना आना पड़ेगा। इसके लिए रोज वीडियो बनाओ, किचन में कुछ भी बना रही हो उसको रिकॉर्ड करो, उसको शेयर करो और देखो लोग कैसे उसको परसीव कर रहे हैं। ये मिथिला का जो ट्रेडिशन है, हेरिटेज बहुत पुराना है, वो जो स्वाद है, जो कल्चर है, जो अभी तक बाहर नहीं जा पाया है, तो उसको मैं चाहती हूँ कि ये मिथिलांचल का स्वाद जो भी है, जो मेरा ये छोटा सा भी बिजनेस है, लोग पसंद कर रहे हैं, ये बड़ा बने, ये हर घर में पहुँचे। कल्पना जी, उमा जी, मुझे आज पता क्या अच्छा लगा कि भारत में एंटरप्रेन्योरशिप की वेव जाग गई है जी। और आप स्टार्ट कर पाए हैं बिहार के छोटी से जगह से निकल के इस मंच में आ पाए हैं। इंडिया इज अराइविंग। जी जी जी। तो आप में भाभी कौन है? आप भाभी हैं? ये मेरी भाभी हैं। ये भाभी हैं, आप ननद हो। हाँ। और आप दोनों में झगड़े नहीं होते? नहीं नहीं, ये बहुत अच्छी है और 30 साल से हम दोस्त के। प्यारी ननद है मेरी। आप जरा एक एक करके एक बाहर जाइए, दूसरा बताइए उसके बारे में। आमने सामने तो सब अच्छा होगा। हाँ, और वो भी टीवी पे। वैसे ननद भाभी का रिश्ता बहुत थोड़ा टेंस वाला होता है, लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं है। आपने जो नाम रखा है झाजी, ये बहुत कमाल का नाम है, बिकॉज मेरे भी एक मित्र होते थे, उनका नाम भी झा था, उनको सब झाजी ही बुलाते थे। मैं अपने हस्बैंड को भी झाजी ही बोलती हूँ। आपने अपने हस्बैंड का अचार बना दिया? जी, अचार नहीं बनाया, ये मेरा डेलीगेशन है उनके लिए, जो मैं वो झाजी स्टोर खोल रही हूँ उनके नाम पे। अच्छा अच्छा जी। ऐसा ना बोले, वो घर बैठ के मुझे घर में ना घुसने देंगे। बहुत अच्छे। तो ये jhajistore.com, जी जी जी, ये सब काम कैसे किया? जी जी, मेरे लड़के हैं जी, IIT से, दिल्ली से पास आउट है। अरे वो, और ये जो सारा प्लानिंग है उन्होंने ही बनाया,
और ये बिजनेस अभी हम लोग सिर्फ दिल्ली और NCR में ही कर रहे हैं। तो अभी आप अचार कहाँ दिल्ली में कैसे बेचते हैं? ऑनलाइन ही बेचते हैं सर। पिछले महीने आपकी क्या सेल्स? 5,14,000 था मेरा पिछले महीने का सेल, जिसमें 80,000 रुपया री कस्टमर थे मेरे। और प्रॉफिट कितना हुआ 5,00,000? मेरा ये 600 रुपया का एवरेज ऑर्डर वैल्यू है, जिसमें 100। आप बहुत एफर्ट डाल के सब टर्म सीख कर आई है अपने बच्चों से। मजा आ रहा है, बड़ा मजा आ रहा है। आपको एवरेज ऑर्डर वैल्यू बोलते हुए सुन के हमारा दिन बन गया। कमाल। हाँ, जो ये 600 का जो एवरेज ऑर्डर वैल्यू है, उसमें 180 रुपए मैं प्रचार के लिए देती हूँ और 140 रुपए कुरियर का देती हूँ, और अचार का जो मटेरियल, जो मेरा पैकेजिंग और अचार का जो कॉस्ट बनता है बनाने का, वो 170 रुपए बनते हैं, और 110 रुपए जो हमारा मार्जिन बचता है। तो ऐसा मान के चले कि पिछले महीने 5,00,000 में से 70-80,000 रुपए का मुनाफा हुआ। जी जी। तो आप हमसे 50,00,000 रुपया लेके इससे क्या करेंगी, कैसे अपना काम बढ़ाएंगी? ये पैसे जो मैं डालूंगी, इसे मैं 3 जगह मिड टर्म, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में डिवाइड करती हूँ। तो शॉर्ट टर्म में मुझे तुरंत फंडिंग की इसलिए जरूरत है कि डिमांड बहुत है, मेरे पास सामान नहीं है उसको बनाने के लिए। मुझे जो अभी मैं कच्चा माल लोकल मार्केट से खरीदती हूँ तो रेट भी हाई रहता है, और इसे मैं बल्क में लूंगी, और कुछ मशीनरी चीज की मुझे जरूरत पड़ेगी ताकि मैं फास्ट काम कर सकूं। और वेयर हाउस मैं दिल्ली में खोलूंगी, क्योंकि मुझे कुरियर में 140 रुपए लग जाते हैं छोटे शहर से दिल्ली तक पहुंचाने में। मिड टर्म में है मिथिलांचल के जो सूखी पकवान आप देख रहे हैं उसको ऐड करूं, और थर्ड में जो लॉन्ग टर्म में जो है उसके लिए मुझे एडवर्टाइजमेंट के लिए और दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता में तुरंत काम शुरू करना है। उसमें okay. आप लोगों से भी मैं मदद लूंगी, सिर्फ पैसे ही नहीं मुझे चाहिए, मुझे आप लोगों का अनुभव भी चाहिए, जो मुझे मेरे कंपनी को बड़ा करने में मैं इस्तेमाल कर सकूं। आप जरा बताएंगे आपके लड़के आपकी मदद करने के अलावा और क्या? नहीं, उनका अपने कंपनी में काम है, मेंस वेंचर्स में वो मार्केटिंग का काम करते हैं। जितने भी तरह के टेक्निकल चीज जो सर है वो उन्हीं का टीम देख रहा है, वो आगे भी देखेंगे, इसलिए मैंने उन्हें ये 20% का इक्विटी दिया कि वो इसको बिजनेस टर्म के हिसाब से देखे, घरेलू बिजनेस के हिसाब से नहीं देखे। और इनके हस्बैंड MBA के प्रोफेसर हैं, वो भी इसमें इन्वॉल्व होंगे सर, क्योंकि वो भी हमारे 15% कंपनी के इक्विटी होल्डर हैं, तो उनको भी आना पड़ेगा। आना पड़ेगा जी। ऐसे कैसे दे दें 15% बिना काम के? आप लोग बिजनेस का समझते हैं, गलती से हमने ले ली 10%, तो आप पता क्या बोलेंगे, 10% लिया, काम तो करना पड़ेगा। शार्क तो आप है सर, बिजनेस है, और बिजनेस का टर्म कंडीशन आप लोग से ज्यादा कौन जानेगा। नहीं, बहुत बढ़िया बात है। तो ये टीम वर्क है सर, हमारे पास टीम है, 3 पिलर मेरे पास पहले से है, और 1 पिलर मैं आप लोगों को बनाना चाहती हूँ, आप लोग बने और हमारे कंपनी को पूरे भारत ही नहीं पूरे दुनिया में फैलाएं। तो कल्पना और उमा जी, आपको अनुभव की जरूरत है, और क्योंकि ये एक ऐसा एरिया है जिसमें मेरा बिल्कुल अनुभव नहीं है। जी जी जी, मैं आउट। मेरा तो सजेशन इसमें ये होगा कि आप इसमें पहले थोड़ा प्रॉफिट और कमाइए। जी जी। और अपना थोड़ा शेयर होल्डिंग पे ध्यान दीजिए। जी। अगर आपके बेटे ये फ्यूचर में काम करना चाहते हैं तो उनकी शेयर होल्डिंग ज्यादा होनी चाहिए। अच्छा। और वो आपके बिजनेस का फ्रंट होने चाहिए। अच्छा। तब आपको शायद इन्वेस्टर से इन्वेस्टमेंट मिलने में आसानी भी हो। जी जी। तो मेरी तरफ से अभी ना है, बेस्ट ऑफ लक। मुझे भी इस बिजनेस का कैसे उसको ग्रो करना है उसका क्लियर एक डायरेक्शन मेरे दिमाग में नहीं है, और जो आपने वैल्यूएशन मांगी है 5 करोड़, मुझे लगता है वो गिवन हमारा जो स्केल है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा है, तो एट दिस टाइम मैं भी आउट हूँ। कल्पना जी, उमा जी, मैं करना चाहता हूँ आपकी वैल्यू ऐड। जी 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 जी, बट हो नहीं पाएगा क्योंकि मैं ना टाइम नहीं दे पाऊंगा। मैं आपको बहुत बहुत लक विश करना चाहता हूँ। जी जी। और आप बहुत सक्सेसफुल रहें। जी। लेकिन आज मैं नहीं जुड़ पाऊंगा आपसे, तो मुझे माफ कीजिए। फिर से गए, दिल, पेट, दिमाग सब जीत लिया। अच्छा। सब जीत लिया। और बहुत प्यारी जोड़ी है। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।